बेहतरीन प्रोग्राम था पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाने के लिए। तो उस वक्त हमारी हुकूमत के खिलाफ 3 दफ़ा लॉन्ग मार्चेस हुई, 3 दफ़ा हमारी हुकूमत को, जबकि एक इतने बड़े माशी बुरहान से गुजर रहे थे, उसके बावजूद फजल रहमान ने 2 मार्चेस की और बिलावल भुट्टो ने 1 मार्च की, 3 दफ़ा। और हाँ, मरियम ने भी 1 मार्च की थी जो मेरे ख्याल में गुजर खान में कहीं रह गई थी, पहुंची नहीं इस्लामाबाद। तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। तब तो इनको नहीं ख्याल आया कि कोरोना के भी अजाब से गुजर रहे हैं, हम एक बैंकक्रप्ट मुल्क छोड़ के गए, वो भी उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब तो हमें किसी ने नहीं परवाह की कि पाकिस्तान कितने बड़े मुश्किलात में है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मैंने ये पहले कर देनी थी। हमने मार्च, जब इन्होंने हमें, हमने एक पुरअमन एहतजाज किया 25 मई को, जो इन्होंने तशद्दुद किया हमारे ऊपर, उसके बाद उसके अगले दिन, मैं अगर वो ना उस वक्त उसको कॉल ऑफ करता तो अगले दिन वाकई इस मुल्क के अंदर इंतशार होना था।